अगर राहुल गांधी पीएम होते तो नोटबंदी को लेकर कौन सा फैसला लेते? आखिर राहुल ने कहा कि आपने इस प्लान का खुलासा। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को कांग्रेस लगातार मुद्दा बनाती रही है। हालांकि अब तक कांग्रेस के तमाम हमले बेकार ही साबित हुए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस खासकर राहुल गांधी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। मलेशिया में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले की कड़ी आलोचना की है। इस कार्यक्रम के दौरान नोटबंदी को लेकर अपने प्लान का खुलासा किया है राहुल ने। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने राहुल गांधी से पूछा कि वो नोटबंदी को किस प्रकार लागू करते। इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता और कोई मुझे नोटबंदी लिखी हुई फाइल देता तो मैं उसे डस्टबिन में फेंक देता, उसे दरवाजे के बाहर कर देता या डस्टबिन में डाल देता, क्योंकि मुझे लगता है कि नोटबंदी के साथ ऐसा ही किए जाने की जरूरत है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। आप खुद सुन लीजिए कि आखिर नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। If someone, if I was Prime Minister and someone had given me a file with demonetization written on it, I would have thrown it in the dustbin. That's how I would have rolled it out. I would have rolled it out in the dustbin and out through the door and into the junkyard. Because that's what I think should have been done with demonetization. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। वो लगातार इस फैसले का विरोध करते रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इसे त्रासदी तक करार दिया था। यहाँ तक कि कांग्रेस ने नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर देश भर में ब्लैक डे मनाया था। कांग्रेस की तरफ से इसे हर विधानसभा चुनाव में जोर शोर से मुद्दा बनाया गया और इसे भुनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पार्टी को इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।